बिसमिल्लिम्सम अस्सलाम फरवरी 21 फरवरी 2022 से शुरू होने वाले वीकली गोल्ड के एनालिसिस के साथ हाजिर हैं गोल्ड को एनालिसिस करने से पहले लास्ट वीक का रिव्यू कर लेते हैं लास्ट वीक यानी कि प्रीवियस वीक गोल्ड अठारह पर क्लोज़ हुआ और मंडे वाले दिन लास्ट वीक अठारह पर ही ओपन हुआ उसके बाद जैसा कि आपका मालूम है रशिया और यूक्रेन के मबैन तस्दम की न्यूज़ ने गोल्ड को काफ़ी वाला टायल किया और गोल्ड इस हफ्ते काफ़ी वाला टायल रहा और उसने काफ़ी अप्स एंड डाउन दिखाए मंगल वाले दिन गोल्ड ने अठारह का वीकली लो लगाया और फ्राइडे को गोल्ड ने वीकली हाई 1902 का लगा वीकली क्लोजिंग अठारह सौ सतानवे पर दी इस तरह गोल्ड अपने प्रीवियस क्लोज से उनतालीस डॉलर ऊपर ही क्लोज़ हुआ अगर आने वाले हफ़्ते की बात की जाए तो आने वाले हफ़्ते में काफ़ी डाटाज़ भी हैं जो गोल्ड को वर्टाइल कर सकते हैं लेकिन सरफहरस्त जो चीज़ रहेगी वो रशिया और यूक्रेन के मत दरमियान जो न्यूज़ है वही सारे फहरस्त रहेगी इसलिए किसी भी किस्म का पंगा लेने से बेहतर है कि आप न्यूज़ पर ध्यान रखें बग़ैर स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करें और ताकि आप बड़े लॉस से बच सकें क्योंकि गोल्ड काफ़ी वाला है और आने वाले दिनों में ये मज़ीद वाला टाइल हो सकता है और अगर आप चार्ट को भी देखें तो गोल्ड पिछले तीन हफ़्तों से मसलसल बाइंग पोजीशन में जा रहा है और आने वाले दिनों में भी ये बाइंग पोजीशन में आ सकता है क्योंकि जब भी जंगी हालात नज़र आते हैं आज भी अमेरिकन कल भी अमेरिकन न्यूज़ थी जो बाइडन ने कुछ रशिया के ख़िलाफ़ बकवास की है उस हवाले से अगर देखा जाए तो गोल्ड को मज़ीद हम ऊपर देख सकते हैं अगर कोई इसके बरक्स को न्यूज़ नहीं आती तब तक गोल्ड मज़ीद ऊपर जा सकता है गोल्ड डेली वीकली चार्ट में इस टाइम बाइंग पोजीशन में है इसलिए सेलिंग से थोड़ा सा अवॉइड सेलिंग अगर आप छोटी ट्रेड लेना चाहते हैं तो किसी न किसी लेवल्स पर स्टॉप लॉस के बग़ैर ट्रेड मत करें और अगर इस हफ्ते के डाटास की बात की जाए तो ट्यूसडे को यूएसए के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं इनके अलावा यू के फ्लैश सर्विस पी एम आई हैं और यू के सी बी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है और, और जुमेरात वाले दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है यू के प्रीमियम जीडीपी नंबर्स हैं और यू के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं इनके अलावा यू के प्रीमियम जी प्राइस इंडेक्स है यू के एफ मेंबर मिस्टर की स्पीच है और फ्राइडे को यूएसए के कोर पीसी प्राइस इंडेक्स हैं इनके अलावा यूएसए के कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं इनके अलावा यूएसए के ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं और यू यूएसए के पर्सनल इनकम और स्पेंडिंग्स हैं ये सब डाटा इस हफ्ते आएंगे इनको हम इन शाह डेली की वीडियोस में डिटेल से देखेंगे भी और इन पर तबसरा भी करेंगे लेकिन इनके सब के बावजूद मेजर न्यूज़ यूक्रेन और रशिया के माबैन ही रहेगी इसलिए इन डेटास के अलावा उन न्यूज़ पर ध्यान रखना नज़र रखना बहुत ज़रूरी है इन नजर रखेंगे और ज़रूर आपको बताएंगे इनके अलावा अगर इस हफ़्ते रेजिस्टेंस और स्पोर्ट की बात करें तो इस हफ़्ते की जो वीकली रेजिस्टेंस है वो है उन्नीस 1935 अगर गोल्ड चूँकि फंडामेंटली चल रहा है अगर गोल्ड इस न्यूज़ के असर से 1935 को ब्रेक करे और ऊपर स्टे करे तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट मज़ीद ऊपर हो सकता है गोल्ड की इस टाइम बाइंग पोजीशन में कोई ऊपर रकावट फिर वक़्त नज़र नहीं आ रही जैसे जैसे न्यूज़ बढ़ती जाएंगी इंतजार बढ़ता जाएगा गोल्ड मज़ीद ऊपर से ऊपर ही जाता जाएगा इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊपर उन्नीस का लेवल हो सकता है अगर 1935 को ब्रेक करता है इसके बाद अगर गोल्ड नीचे जाता है स्पोर्ट वीकली स्पोर्ट उसकी बनेगी अट्ठारह डॉलर अगर गोल्ड, गोल्ड अठारह अच्छा डॉलर को ब्रेक करे और नीचे स्टे करे तो फिर नेक्स्ट टारगेट उसका 1810 20 पे आ सकता है इसलिए गोल्ड में बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करें गोल्ड काफ़ी वलरटाइल है गोल्ड की इस टाइम ट्रेड कोई भी नहीं बता सकता फंडामेंटली न्यूज़ हम कोई भी ट्रेड आपको नहीं बता सकते जो कि एग्जैक्ट हो इसलिए कोशिश करें कि आप अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस के बाद साथ ट्रेड करें इसके अलावा अगर आज के फैंपोनेशनल लेवल्स की बात की जाए तो अठारह इसका पीवट पॉइंट है फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी अठारह सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी अठारह और थर्ड रेजिस्टेंस बनेगी अट्ठारह इसके बरक्स अगर नीचे स्पोर्ट की बात करें तो गोल का अठारह सौ उनतालीस पॉइंट है स्पोर्ट फर्स्ट बनेगी 1816 सेकंड स्पोर्ट बनेगी 1801 और थर्ड स्पोर्ट बनेगी सतारह ये थे इस हफ्ते के फेबोनैशी के लेवल्स और न्यूज़ उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी हमारे चाहने वाले तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि हमें लाइक किया करें शेयर किया करें और अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों को भी बताएं इन शाह हमारी कोशिश होती है कि हम आपको कम वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करें हम आपके लिए तमाम रेजिस्टेंस स्पोर्ट फेबोनेशियल लेवल्स ढूंढ कर लाते हैं जो मेहनत आपने करनी होती है वो हम आपके लिए करते हैं ताकि आपका टाइम बच सके और आप तक वक़्त न्यूज़ और डाटाज़ और लेवल्स पहुंच सकें और आप ताकि आप इससे मुस्तफ होकर एक अच्छी ट्रेड और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें उम्मीद है आप हमें लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे असल